नमस्कार। खबर फास की बेहद ही खास पेशकश, बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शहबाज खान। संसदीय अध्याय में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होने से पहले इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि सरकार सत्र में कुछ चौंकाने वाली चीजें पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से 4 का खुलासा सरकार कर चुकी है और बचे 4 विधायकों को लेकर कई अटकलें जारी हैं। संसद के सत्र के लिए सरकार ने वैसे तो अपना एजेंडा बता दिया है, लेकिन अटकलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। विशेष सत्र को लेकर कई दिनों से सियासत होती रही है। पहले सरकार ने यह कहकर चुप्पी साधी थी कि विशेष सत्र से पहले एजेंडा जारी करने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन कुछ दिन पहले एजेंडा सार्वजनिक करते हुए बताया कि विशेष सत्र में 4 बिल पारित होने हैं, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल सरकार और विपक्ष में टकराव का मुद्दा बना हुआ है। तो क्या संसद के विशेष सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बड़े फैसले करने जा रही है? अगर सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी के बयान से समझे तो उनका इशारा तो कुछ इस तरफ है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस सत्र में सरकार के एजेंडे को लेकर सवाल पूछ रहे थे। अब पीएम मोदी ने इशारा करके सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। उन्होंने संसद सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से कहा कि यह सत्र छोटा जरूरी है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक फैसलों का सत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश आत्मविश्वास से भरा है, उसी समय संसद का यह सत्र शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का यह सत्र है। इस सत्र की एक विशेषता यह है कि आज 75 साल की यात्रा एक नए मुकाम पर आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा थी वो अत्यंत प्रेरक पल, अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और 2047 में इस देश को विकसित देश बनाकर रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए जितने भी फैसले होने हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है जो आज से शुरू हो चुका है और इस सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में हुई। सरकार की ओर से इस सत्र में 4 बिलों की सूचीबद्ध किया गया। हालांकि विपक्ष की ओर से महिला आरक्षण विधेयक पर जोर दिया जा रहा है। करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर से चर्चा में है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि ये विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने हमेशा इसका समर्थन किया। हालांकि कुछ अन्य दलों ने महिला कोटा के भीतर ओबीसी आरक्षण की कुछ मांगों को लेकर इसका विरोध जरूर किया था। अब एक बार फिर से कई दलों ने इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की और पारित करने की जोरदार वकालत की है, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। तो क्या होगा सरकार का फैसला और क्या होगा इस सत्र में खास, आज बड़ा मुद्दा में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेहमानों के साथ। सबसे पहले मेहमानों का आपके साथ परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं आलोक वत्स जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, मुन्ना खान है कांग्रेस प्रवक्ता, नरेंद्र सोनी है आप प्रवक्ता, आदर्श कुमार है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। आलोक जी सुन पा रहे आप मुझे? आलोक जी जानना चाहूंगा सुन पा रहे आप मुझे? चलिए आलोक जी का मैं रुख यहाँ पर करूंगा। बहरहाल मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र सोनी जुड़े हैं, आदर्श कुमार जुड़े हैं। मुन्ना खान आपसे यहाँ पर सबसे पहले सवाल लेना चाहूंगा, संसद की इमारत तो नहीं है लेकिन सियासत क्या वही पुरानी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई नई शुरुआत में रोना धोना तो पुरानी बात है, तो क्या नई संसद में नई बातें होंगी, नया एक जो है एक पहलू देखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक नया अंदाज देखा जाएगा? देखिए सहवाज जी, दुनिया में सबसे सुंदर और सटीक संसद साउथ कोरिया में बना है, उसमें बैठता कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। तो एक संसद भव्य बनाने से नहीं होगा। आप तानाशाह के ईंट से अगर उस इमारत को खड़ा करोगे
उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के कुचलने की बदबू आएगी, रोजगार कुचलने की बदबू आएगी, महिलाओं के उत्पीड़न की बदबू आएगी। तो मैं समझता हूँ तानाशाही सरकार को तानाशाह छोड़ करके पहले विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था और विपक्ष को ये बताना चाहिए था कि आप जो सत्र बुला रहे हो उसमें मुद्दा क्या है, आप चर्चा के लिए बुला रहे हो या मुद्दा जो बिल है वो बिल पास करवाने के लिए बुला रहे हो, ये कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ सत्र में आने का इन्विटेशन कार्ड दिया। तो मैं समझता हूँ जब तक विपक्ष को भरोसे में लेकर के नहीं काम होगा तो मैं समझता हूँ देश हित में काम नहीं होगा। तो मतलब अगर 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 अगले चार दिन में कोई भी बिल पेश होता है तो वहाँ पर वाद विवाद होगा, वो बिल पास नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन सरकार ये विपक्ष की सुनती कहाँ है? आप देख लीजिए, जो इन्होंने अग्निवीर के लिए जो बिल पास किया, किसान के जो 3 कृषि काले कानून थे उसका बिल पास किया, तो विपक्ष से चर्चा नहीं हुई ना, विपक्ष को इन्होंने सहमति नहीं, विपक्ष के साथ इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं किया, विपक्ष के साथ कोई मीटिंग कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई सर्वदलीय की संसद। अच्छा मुन्ना खान, यही तो सवाल है, क्या इस बार जो फैसला लेने वाली है मोदी सरकार वो ऐतिहासिक होने जा रहा है? बिल्कुल, इनके हर काम एक अजूबे होते हैं, सारे काम अजूबे होते हैं। ये जो बिल के ढकोसले कर रहे की जो बिल पे चर्चा होगी, चर्चा कुछ नहीं होगा, ये बिल पास करवाएंगे और बिल पास कराने के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पे विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन कार्ड भेजा कि चर्चा होगी, चर्चा कुछ नहीं होगा। इनकी नियत और नीति साफ है, इनकी मंशा साफ है, ये बिल ही पास करवाएंगे। वो महिला एडेंडम बिल है, वो सीए है, जिस तरीके से धारणा बना रहे कि एक देश एक, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस तरीके की बात नहीं है। इसमें तो समय लगेगा मेरे ख्याल से, एक वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया है, हालांकि इसको लेकर कमेटी का गठन भी हुआ है, बैठ के अभी तक फॉर्मल तौर पर हुई है, कमेटी कोई वैसे वहां पर बैठी नहीं है। खैर, मैं आलोक वत्स जी का रुख करना चाहूंगा। आलोक जी, सुन पा रहे आप मुझे? जी सुन पा रहा हूं। क्या संसद की नई इमारत से नई इबारत लिखने जा रही है बीजेपी, और क्या होगी वो इबारत? ऐतिहासिक सत्र होगा, ऐतिहासिक चीजें होंगी, जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाने की बातें होंगी, और जो भी बिल आएंगे वो जनता के हित में आएंगे, और वो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जो नरेंद्र मोदी का सपना साकार होता नजर आ रहा है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। मुन्ना खान कह रहे हैं कि विपक्ष को तो आपने बातचीत के लिए कुछ बताया नहीं, कॉन्फिडेंस में रखा ही नहीं, भाई वो भी तो तैयारी कर लेंगे अपनी। जो 4 मेन बिल है वो तो बता दिया गया है कि ये 4 बिल आ रहे हैं, तो 4 जो बिल है वो तो 2-2 घंटे में अगर मैं गलत बिल पास होगा यही तो पूछ रहे। चार जो बिल है वो तो 2-2-3-3 घंटे में मेरे ख्याल से पास हो जाएंगे, बाकी 2 दिन क्या करेंगे फिर? अगर मुन्ना भाई पार्लियामेंट में बैठेंगे तो बिल पास होगा, नहीं वहां से भाग जाएंगे तो नहीं होगा चर्चा। जो ये बराबर इनकी अभी पिछले कुछ दिनों से परंपरा रही है कि पार्लियामेंट में से ये भाग लेते हैं, तो एक्सपोज डिपोज प्रपोज जो अपोजिशन का काम है उससे तो ये सदियों दूर चले गए हैं। ये पार्लियामेंट में आने के बाद महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे बैठ जाते हैं, तो उससे पूरी काम चलेगा। शहबाजी में जवाब दूंगा, आज प्रधानमंत्री ने 75 साल की उपलब्धियों को गिनाया तो देश के जितनी भी महान विभूतियां थी सबकी चर्चा उन्होंने की और सबके बारे में अच्छा बोला, उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र करा, ठीक है, तमाम चीजों का जिक्र करा, ठीक है। मुन्ना खान जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं नरेंद्र सोनी पे जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो राग अलाप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता और देश के प्रधानमंत्री की वन नेशन वन इलेक्शन, तो अब ये विपक्ष कमर कस करके एक ही बात अब लेकर के देश की जनता के सामने जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, एक नेता एक सीट। अब ये पूरे देशवासियों के साथ बात रखेगी इंडिया गठबंधन कि एक नेता एक सीट, जिस तरीके से एक नेता नरेंद्र मोदी जी और एक सीट अडानी जी, किस तरीके से एक नेता एक सीट के लिए काम कर रहा है, ये देश की जनता 9.5 साल से देख रही है और 2024 में देश की जनता इसे सबक सिखाने जा रही है। क्योंकि बात ये महंगाई की नहीं करेंगे, बात बेरोजगारी की नहीं करेंगे। आलोक जी, हमारी बात तो पूरी होने दे, आलोक जी हमारी बात पूरी होने दे, देश पे ये देश के हित में बात नहीं करेंगे, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। और ये देशवासी देख रहे हैं किस तरीके से 9.5 साल से लगातार बार बार न जाने कई बार देश के जनता के साथ झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है, दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहां देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां एम्स बन के तैयार है, जब वहां पे वेरिफिकेशन हुई पता लगा वहां पे जमीन अलॉट हुई है, एम्स बनानी है। इससे पहले साउथ के अंदर
देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वहाँ तो एम्स तैयार खड़ा है। जब साउथ में एक सांसद, कांग्रेस के सांसद ने वेरिफिकेशन करवाई, पता लगा वहाँ खंडर बंडर जमीन पड़ी हुई है। तो इस तरीके से देश के देशवासियों के साथ देश के प्रधानमंत्री जो रखरखाव है वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, देश की जनता के साथ इसलिए और ज्यादा पीड़ा है क्योंकि आपने देखा जो 6 दिन से टेस्ट मैच चल रहे थे, जो हमारे जवानों पे गोलियां बरसाई जा रही थी आतंकवादी के द्वारा, तो वहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो देश में विचलित करने वाली है, जो देश की जनता के हित की जीत दिल को झकझोर देने वाली। कांग्रेस के कितने दिग्गज नेता कश्मीर गए सर? सवाल कितने दिग्गज नेता की नहीं है, सवाल इनके बरबोलेपन का, जो ये कह रहे हैं बाहर की कश्मीर शांत हो गया, कश्मीर में अब कुछ नहीं है, आतंकवादी का हमने खात्मा कर दिया, हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये बरबोलेपन जो कथनी और करनी में फर्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है? चलिए, कथनी और करनी में फर्क है, ठीक है नरेंद्र सोनी जी, जल्दी से फिर मैं नरेंद्र सोनी के पास जाऊंगा। 40,000 आदमी शहीद हुए थे और 370 हटने के बाद मात्र 3,000 आदमी शहीद हुए हैं, ये क्या बोलेंगे? 370 हटे नहीं है, करेक्शन हुआ है आलोक जी, 370 हटे नहीं है, करेक्शन हुआ है। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देश के जनता के साथ झूठ बोलने का काम न करें, ठीक है? 370 करेक्शन हुआ है, हटा नहीं है, गूगल आप चेक कर ले। बात आज सत्र की करेंगे, 370 की नहीं करेंगे, ठीक है? बात आज सत्र की करेंगे कि सत्र में क्या होने वाला है, 370 को अभी छोड़ देते हैं, हालांकि उसका जिक्र जरूर चलता रहता है समय समय में। नरेंद्र सोनी जी आपसे सवाल है, संसद का सत्र भले ही छोटा हो लेकिन सरप्राइज क्या बड़ा होने जा रहा है, और वो 2024 की दशा और दिशा तय करेगा बीजेपी के लिए, उनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण, यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, महिला आरक्षण का जिक्र जो है चर्चा लगातार यहां पर हो रही है। देखिए खान साहब, मेरा ये कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी कोई भी सरप्राइज लेकर के आए हैं, उन्होंने देश का सर्वनाश ही किया है। पहले वो सरप्राइज लेकर के आए, पूरे देश को उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी कर दिया, कभी जीएसटी का सरप्राइज लेकर के आए, व्यापारियों की कमर तोड़ दिया, कभी वो फिर अग्निवीर योजना लेकर के आए, पूरे युवाओं को बर्बाद कर दिया, सेना में जाने लायक नहीं छोड़ा, फिर वो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए, पूरे किसानों की कमर तोड़ के रख दी। तो जब भी प्रधानमंत्री जी कोई भी सरप्राइज लेकर के आते हैं उससे देश, मैं कह रहा हूँ कि कई साल पीछे खिंच जाता है। तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं फिर? चुनाव कैसे जीत जाते हैं? अभी ये चुनाव जीतने के लिए ही तो लाए हैं। श्रवण जी, मैं जवाब दूंगा गया है, श्रवण जी, मैं जवाब दूंगा, सत्र बुलाया गया है, ये चुनाव जीतने की तो रणनीति है इनकी, वरना तो बता देते पहले से कि क्या करने वाले हैं। और बड़ा खराब लगता है कि शहादत पे भी कंपटीशन चल रहा है। आलोक जी की बात मुझे बहुत बुरी लग रही है, वो कह रहे हैं आपके में 40,000 शहीद हुए थे, हमारे में 30,000। अरे भैया, कुछ शहादत में आदमी हमारा, अगर अगर हम, अरे 3,000 मैं कह रहा हूँ, एक भी क्यों शहीद हो रहा है? हमारा जवान एक एक देश के लिए कीमती है कि नहीं? आपके लिए कोई वैल्यू है जवान की? कह रहे हैं कि इनके लिए 40,000 हुए थे, हमारे यहाँ 30,000 हुए। अरे भैया, उसको लिहाज रखिए, देश का जी उसको लिहाज रखिए। शहादत में भी कंपटीशन करेंगे आप? इनके में इतने हुए थे और हमारे, मैं कह रहा हूँ, हो क्यों रहे सही? आपकी आपने तो कहा था नोटबंदी कर रहे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म आज तक नहीं हुआ है, अभी भी हमारे शहीदों को ये सारा झेलना पड़ रहा है, बॉर्डर पे बैठे हमारे सैनिकों को झेलना पड़ रहा है, कश्मीर के अंदर आज भी शांति नहीं है। ये मत भूलिए, आपकी कोई भी पॉलिसी ठीक नहीं है। आज ही मैं 10 सेकंड में जवाब देना चाहता हूं। बात करिए, हां मुन्ना खान जी, लूंगा मैं आपके सवाल। पार्टी को डिफेंड करने के बैठे हुए हैं, लेकिन समझिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को पीछे धकेलने का काम किया है। इस देश के अंदर क्या बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर? क्या भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो तो कह रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि जब हम चर्चा के लिए आते हैं तो आप बैकफुट पे चले आते हैं, वॉकआउट कर देती है कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां वॉकआउट कर देती है। आलोक जी कह रहे हैं, भी बताता हूँ, पिछली बार मणिपुर पे चर्चा मांग रहा था विपक्ष, और प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर पे कुछ संवेदनशीलता वाले शब्द सुनना चाहता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी 2 घंटे तक लगातार बोलते रहे, मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले, तो विपक्ष क्या करेगा? प्रधानमंत्री बोले थे, उससे पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था।
नहीं उसका दो घंटे के बाद जब बोले ही नहीं तो उसके जाना पड़ा, उसके बाद तीन मिनट के लिए मणिपुर को बोले, तीन मिनट के लिए आपने दो घंटे 16 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री जी 3 मिनट के लिए मणिपुर पे उन्होंने समय बताइए। आप यहाँ पे देश के जिस हिस्से में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, और ये देखिए कह रहे हैं बोले थे, ये कह रहे हैं बोले थे, अरे आलोक जी थोड़ी शर्म करिए, आप देश का थोड़ा लिहाज रखिए, इस तरह से करेंगे देश सारा देख रहा है प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं, देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचता आपके पास बताने के लिए। आज महंगाई देखिए ना कहाँ पहुंच गई है, महंगाई पर कोई जवाब है? पैसे कुछ अधिकार करता था 2014 से पहले वो 100 रुपए से ज्यादा बिक रहा है, डीजल जो 45 रुपए था वो 90 रुपए हो गया है, हर चीज पे तो डबल दाम हो गया, दालों के दाम जो 100 रुपए से भी नीचे हुआ करते थे वो 100 रुपए से भी ऊपर चले गए। 10 सेकंड मुन्ना खान को दे रहा हूं, ठीक है, एक मिनट नरेंद्र आलोक जी, एक मिनट मुन्ना खान के पास जा रहा हूं, हमें रिपीट दोबारा आलोक मैडम, 1 मिनट आने वाली है जनता, जनता को वोट देने का काम, अरे आलोक जी जनता को वोट मूर्ख आपने बना लिया है, जनता अब आपको पसंद नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था चौराहे के ऊपर अगर 100 दिन के अंदर काला धन नहीं आया तो चौराहे के ऊपर मुझे सजा दे देना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गए भैया काला धन, पैनल में और भी लोग हैं, ठीक है, वाले थे कहाँ चले गए, करके हम इंतजार कर रहे हैं, मैंने भी एक नया खाता खुलवाया था, चलो कुछ तो हमें भी मिलेगा। नरेंद्र जी आपने खाता खुलवाया, ठीक है, बताइए पैनल में और भी लोग हैं उनका भी खाता खोल देते हैं, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए आदर्श कुमार जी, मुन्ना खान जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, इससे पहले मैं आदर्श जी का रुख करना चाहूंगा। आदर्श जी, पीएम मोदी फिर चौंकाएंगे, इस बार क्या खास लेकर आएंगे और क्या लगता है आपको कि खास होना चाहिए और कैसा हो सकता है कि 2024 की दशा और दिशा तय कर देगा वह ऐतिहासिक फैसला? देखिए शाहबाज जी, सबसे पहली बात यह है कि जो चीजें सामने रखी जाती है कई बार सिर्फ वही चीजें नहीं होती, उसके पीछे भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें सरकार छुपा करके रखती है, सरकार, और ये छुपाना भी गलत नहीं है, वो अपने तरीके से उनका उद्देश्य होता है कि वो जो है बिल बिना किसी ज्यादा रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के वो बिल पास हो जाए। तो मेरा जहां तक मानना है कि जो बिल, जिन बिलों का जिक्र जो है वो हो रहा है, वो तो होंगे ही, उन पर चर्चा होगी ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे बड़े फैसले करने जा रही है जो निश्चित तौर पर चुनाव के लिहाज से भी, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि जनता के हित के लिए और सार्वजनिक लोगों का हित ध्यान रखते हुए, बल्कि कुछ ऐसे जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है वो है कि कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या फैसला हो सकता है? पास हो सकते, क्या महिला आरक्षण हो सकता है? वो वन नेशन, खैर वन नेशन वन इलेक्शन पे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें तो मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो महिला आरक्षण, क्या इस पर मोहर लग सकती है? क्योंकि 2010 की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर समर्थन मिला था, चर्चा में है, महिला आरक्षण पहले से चर्चा में है, तो इस पर तो चर्चा स्वाभाविक है। देखिए जिन चीजों पे सरकार ने कह दिया है कि वो चर्चा करेगी, निश्चित तौर पे वो बिल जो है चर्चा के लिए रखा जाएगा और वो बिल पास होंगे, है ना, वो तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दो बिल कुछ इस तरीके के चौंकाने वाले हो सकते हैं जो कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिए जाए। साथ ही चूंकि नया संसद भवन है और पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जो है स्थानांतरण हो रहा है, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और मोदी सरकार ये चाहेगी कि कुछ ऐसे बिल जो है वो पास कराए जाए, जहां तक मैं समझता हूँ। दूसरी बात देखिए, मेरा ये मानना रहा है कि जब बिल पास होते हैं या बिल पर चर्चा होती है, निश्चित तौर पर विपक्ष के अपने तर्क है, विपक्ष की जो आपत्तियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वॉकआउट करना या कई बार जो है चीजों को बहुत ज्यादा आक्रामक बना देने से बेहतर होता है कि उस चर्चा में, परिचर्चा में आप भाग लें और आपके पास जो संख्या है उस संख्या बल के आधार पे अपने विचार, अपने मत जो है वो आप जाहिर कर सकते हैं। लेकिन
इसी वजह से कई बार सरकारें जो है खुलासा करने से डरती है, या फिर विधेयक को जो है बिल्कुल पहले की तरह जो है बता करके ऐसा जो है विपक्ष की मांग। अच्छा एक बात बताया आदर जी, विपक्ष की इस मांग को आप कितना जायज मांगते हैं? वो कह रहे कि भाई हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, हमको पता होना चाहिए, हम अपनी तैयारी भी तो करके रखेंगे, और ये बात भी सही है। देखिए तैयारी की सीधी सी बात ये है, देखिए ये तो वही बात हो गई कि आपको परीक्षा के लिए जब छात्र को मालूम होता है कि परीक्षा होने वाली है तो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि कौन से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके। मेरा ये मानना है कि अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और बड़ी पार्टी तो पता लगना चाहिए, अभी तो स्टूडेंट तैयारी करेंगे मित्र हमारे, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट भी तो पता लगना चाहिए किस तरह का एग्जाम है। अरे मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, मेरी बात सुनिए, ठीक है? वो नगान सुन लेते हैं, धैर्य से सुना, मैंने बीच में एक भी शब्द आप लोगों के बीच में नहीं बोला जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप लोगों की मांग जायज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की मांग जायज नहीं है, आप लोगों का मांगना, आप लोगों का पूछना ये आपका अधिकार है और सरकार को चाहिए कि आप लोगों की बात का जवाब दे। लेकिन मेरा जो एक्चुअल में होता है, मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, मैं आदर्श की बात नहीं कर रहा, मैं एक वो उस स्थिति की कल्पना नहीं कर रहा जहां सब भी सब कुछ जो है समभाव से, बहुत प्रेम भाव से और सब कुछ सामूहिक तौर पे, आप जानते हैं कि वैसा नहीं हो रहा है, वो एक स्थिति है और ऐसा नहीं कि आज ही, ये पहले भी इस तरह की स्थितियां रही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उन्हें सरकार क्यों नहीं बताना चाह रही, क्या हम इस पर जाना चाहेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सरकार को हमेशा यह अंदेशा होता है कि अगर पहले से मुद्दे बता दिए जाएं, पहले से पूरी तरीके से सब कुछ सामने रख दिया जाए तो उसमें विघ्न डालने की कवायद होगी, सरकार को ऐसा लगता है। अगर सरकार को ये लगता कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो करके और मत के द्वारा अगर बिल पास हो जाते तो सरकार आराम से आपको बता देती। चलिए सरकार आपको आराम से बता देती। मुन्ना खान आपसे मेरा सवाल है, महिला आरक्षण का जिक्र हो रहा है, आप अपनी बात रखिएगा लेकिन मैं इसमें सवाल और एक ऐड कर रहा हूँ। महिला आरक्षण का जिक्र यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और महिला की पावर क्या है इस बात को मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि महिला किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकती है। कुछ आंकड़े मेरे पास, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तीन उदाहरण है जिसमें कि 2016 की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया और उनकी बंपर जीत हुई। 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया, उनकी जीत हुई। दिल्ली में 60% महिलाओं ने पहली पसंद उनकी आम आदमी पार्टी रही और नतीजा आपने देखा, 62-63 सीटें उनकी लगातार यहां पर सामने आई है, जीत उनकी लगातार हुई है। तो जिस तरीके से पेच फंसा हुआ था महिला आरक्षण को लेकर, क्या ये फैसला हो जाता है? और अगर हो जाता है, कांग्रेस का इसका समर्थन था 2010 में, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का मंत्र यहां पर 2024 के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये? देखिए शहबाज जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि महिला के साथ जो दुराचार किया गया, जो दुर्व्यवहार हुए बीजेपी के द्वारा, वो महिला के देश की जो महिला है उनके नजरों में। दूसरी बात, ये बिल पास करा ले, आप देखिए किसान का बिल पास कराया, किसान को आज तक समझ नहीं आया। जीएसटी पास कराया इन्होंने, जीएसटी बिल लेकर गए, आज तक व्यापारी को समझ में नहीं आया। अग्निवीर लेकर गए, आज तक वो जवान को समझ नहीं आए। तो इस तरीके के बिल नहीं, क्यों? इसके मेन जो रीजन है वो क्या है, इससे पहले कोई चर्चा नहीं होता। अगर आपको किसान का बिल लाना था किसान से चर्चा करनी थी, अगर महिला का बिल ला रहे हो तो आप महिला जितने सांसद है बिठा के कम से कम विपक्ष के सही कम से कम आपको चर्चा करनी चाहिए थे। तो बगैर चर्चा के जो भी बिल लाई है सरकार, ये तो इनको नुकसान ही होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि इलेक्शन कैसे जीतते हैं, देखिए क्या है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही है, बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसा से, बीजेपी की मीडिया से, बीजेपी की मशीन से। तो लड़ाई हमारी इंडिया गठबंधन की 6 से। दूसरी बात, हिटलर भी चुनाव जीतता था, सारे सिस्टम को हैक करके अगर आप चुनाव जीत लिए तो बाहवाई नहीं है, बाहवाई। देखिए हिमाचल में आप जीते, कम से कम आप तो ये बात ना करिए, हिमाचल में आपकी जीत हुई है ना? कर्नाटक और हिमाचल में हमारा मसल, मैन पावर, मशीनरी सब फेल हो गया क्या? आप सुन तो ले, सुन तो लीजिए, आलम जी सुन तो ले, ईवीएम हैक हो गया हिमाचल प्रदेश में, ईवीएम हैक हो गया, आलम जी सुन तो, मैन पावर, मनी पावर कहाँ चला गया? आलम जी सुन तो ले, मैं जवाब दे रहा हूँ, मसल पावर मनी पावर के जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये है कि ये छोटे छोटे जो राज्य के चुनाव है उस पर ये नजर नहीं मारती, क्योंकि देश की जनता के नजरों में ये आ जाएंगे। ये लोकसभा की जितनी भी सीट है उस पर ये गड़बड़ झाला करने का काम करेंगे। जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जिस तरीके से पत्र आते और जो चीफ जस्टिस ने कहा
कि जो इनका जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बंद लिफाफे में अपने आदमियों के नाम भेजे जिसपे अभी विरोध भी जताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन सरकार की ये मंशा है, सरकार की ये नियत है कि मैं एक बिल पास कराऊं जिसे मैं चुनाव आयुक्त को खुद नियुक्ति करूं। अब आप समझिए, अगर कोई चुनाव आयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त होगा तो क्या वो सरकार के पक्ष में काम नहीं करेगा? क्या आज ये चुनाव आयुक्त सरकार के पक्ष में काम नहीं कर रहा? क्या वो फूल नहीं बरसाएंगे सरकार के पक्ष में? और क्या वो विपक्ष को डांटेंगे नहीं, विपक्ष का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे? तो इस तरीके से देखा जा रहा है, जवाब दीजिए, किसी भी तरह से नहीं है, विश्वास में लेकर के काम नहीं करेंगे। ये गलत बात बोल रहे हैं आप, ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता तो आप हिमाचल और कर्नाटक सत्ता ही नहीं जीत पाते। मैं सही है, ये बिल्कुल निराधार है। मैं सही कह रहा हूँ, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आलोक जी, एक प्रतिष्ठित और नेशनल चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं परोस रहा हूँ। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में है ही नहीं। ये काम भारतीय जनता पार्टी को सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी पेट भर के झूठ बोलने का काम करती है। आप बताइए, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई नहीं लगाई? कांग्रेस पार्टी ने, मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि एक जस्टिस और एक प्रधानमंत्री जी और दो मंत्री होंगे शामिल, इस पे सरकार क्यों आपत्ति आई? सरकार क्यों कह रही है सवाल क्या, देश की आधी आबादी महिला आरक्षण का जिक्र हो सकता है, बिल पारित हो सकता है? ठीक है मुन्ना खान, एक मिनट आलोक जी, देश की आधी आबादी महिलाओं का अगर जिक्र करें, महिला आरक्षण को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बिल पारित हो सकता है? क्योंकि मैंने अभी आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको बताया, पूरी पूरी आकांक्षा है प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर कुछ नई चीज और एकाएक देते हैं जिससे देश का हित में और देश का फायदा होता है। हो सकता है महिला आरक्षण बिल भी आ जाए और पास हो जाए, और पूरी संभावना जता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने रेजिम में राज्यसभा में पास करा के लोकसभा में उसको लाके उसका बड़ा गर्व कर दिया। ये क्या बोलेंगे? अरे अरे, मुजफ्फरपुर से बीजेपी की सांसद है रमा, क्यों नहीं कराया? रमा देवी जी मुजफ्फरपुर से सांसद है बीजेपी की, वो महिला आरक्षण का समर्थन नहीं कर रही? वो है शिवहर से, वो समर्थन नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूएंसी है शिवहर, वहाँ से वो सांसद है, वो समर्थन नहीं कर रही इसका? अब वो उनका अपना निजी मत हो सकता है, उससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अरे पार्टी के सांसद है, पार्टी को लेना देना है? निजी मत हो सकता है, पार्टी की तो आधिकारिक प्रवक्ता अलका लंबा थी, ये मुन्ना भाई ने कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, इसलिए ये छोड़िए ना। कांग्रेस बयान है, ठीक है नरेंद्र सोनी जी, ठीक है नरेंद्र सोनी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, नरेंद्र सोनी जी को ले लेता हूँ। नरेंद्र सोनी जी, आलोक शर्मा जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई पूरी संभावना है, जिस तरीके से 2010 की बात करते हैं, सपा की वजह से पेच फंस गया था, आरजेडी की वजह से पेच फंस गया था, आम आदमी पार्टी क्या समर्थन करती है महिला आरक्षण के बिल को लेकर? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि लाएं, ऐसी अच्छी चीजें तो होनी चाहिए, लाएं, बिल्कुल समर्थन होना चाहिए। महिलाओं को पूरा 33% या 50% आरक्षण, बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए महिलाओं को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में महिलाओं का अपमान कर रही है और महिलाओं के अपमान पे चुप है, एक मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, वहां पे उनके जो है महिलाओं को उनके साथ गलत काम हुआ, और दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय पहलवानों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवानों को, महिला पहलवानों को, जिनको मोदी जी कहते हैं मेरे परिवार की बेटियां हैं, उनको सड़कों पे घसीटा गया। इन्हीं के उत्तर प्रदेश के विधायक रहे कुलदीप सेंगर ने, वो रेप और हत्या के मामले में महिला के आज भी जेल में बंद है। तो ये चीजें, ये सुन तो लीजिए, कठुआ वाले कहाँ हैं बता दीजिए ना, कठुआ वाले कहाँ हैं? वहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, बताइए कठुआ वाले कहाँ हैं? देहरादून के अंदर अंकिता, अरे बताइए ना, देहरादून के अंदर अंकिता के साथ क्या हुआ? वो कौन लोग थे देहरादून में जो अंकिता के साथ हुआ, वो कौन लोग थे बताइए ना? सारे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सारे आप महिलाओं का इतना ज्यादा शोषण करने के बाद आप महिला बिल ले भी आए तो महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते? महिलाएं आपके खिलाफ चुनाव जीत करके सदन में पहुंचेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब सदन में मिलेगा। चले, मुंह तोड़ जवाब किसको मिलता है ये देखने वाली बात है, भारत कौन लिखता है ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या सवाल यही है, संसद की नई इमारत में सियासत की नई इबारत लिखने जा रही है? एक
बड़ा सवाल है। मेरे साथ खास पेशकश में आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।